हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी कॉमेडी सीरीज देखना पसंद करते हो तो आप टीवीएफ की सीरीज जरूर देखते होंगे। इसलिए हम आज टॉप 20 टीवीएफ के सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इन 20 सीरीज में हम स्क्रीन पत्ते के सीरीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सीरीज को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो अगर आप सीरीज को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 20 पे है बीस्ट प्लीज। ये वेब सीरीज 2017 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.4 है। ये कहानी एक लड़की नीतू बीस्ट की है, जो एक छोटे शहर की रहने वाली है और अभी अभी मुंबई शिफ्ट हुई है, और उसके जिंदगी को उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड और उसके पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। सीरीज का एक ही सीजन है जिसमें टोटल 6 एपिसोड है, और इसे आप टीवीएफ प्ले पे देख सकते हैं। नंबर 19 पे है इनमेट्स। ये वेब सीरीज 2017 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है। ये कहानी एक लड़के की है जो टिंडर पे मैच ढूंढता है और उसे एक मैच मिल भी जाता है, लेकिन जब उस लड़की से वो असलियत में मिलता है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की उससे उम्र में काफी बड़ी है और वो शादीशुदा भी है। इस वेब सीरीज का एक सीजन आया जिसमें 6 एपिसोड्स हैं, और इसे आप टीवीएफ प्ले पे देख सकते हैं। नंबर 18 पे है चाय सुट्टा क्रॉनिकल्स। ये सीरीज 2013 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। इस सीरीज में कुछ दोस्त आपस में बैठ के चाय या सिगरेट पीते हैं और कुछ टॉपिक्स पर बात करते हैं। सीरीज का हर एक एपिसोड अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड है, और इसका अब तक 2 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 11 एपिसोड्स हैं, और इस वेब सीरीज को आप टीवीएफ प्ले और यूट्यूब दोनों पे देख सकते हैं। नंबर 17 पे है फादर्स। ये वेब सीरीज 2017 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। ये कहानी 3 पिताओं की है जो रिटायर हो चुके हैं और अब अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने बच्चों के जेनरेशन के साथ मिलने में काफी तकलीफ होती है। और इस सीरीज का 2 सीजन है जिसमें 9 एपिसोड्स हैं, और इसे आप टीवीएफ प्ले पे देख सकते हैं। नंबर 16 पे है गर्ल्स हॉस्टल। ये सीरीज 2018 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। ये कहानी मेडिकल कॉलेज के गर्ल हॉस्टल पर बेस्ड है, जहां गर्ल्स हॉस्टल के अंदर की कहानी को दिखाया गया है, और ये भी दिखाया गया कि आपस में दो हॉस्टल कैसे लड़ते हैं। और इसका एक सीजन है जिसमें टोटल 5 एपिसोड्स हैं, और इसे आप टीवीएफ प्ले और यूट्यूब दोनों पर देख सकते हैं। नंबर 15 पे है द मेकिंग ऑफ। ये सीरीज 2014 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। इस सीरीज में मूवी के मेकिंग को दिखाया गया है, वो भी पैरोडी स्टाइल में, यानी कि आप टीवी पे देखते होंगे कि कुछ मूवीज के मेकिंग को दिखाया जाता है, वही चीज टीवीएफ ने इसे अपने अंदाज में बनाया है, जो काफी फनी है। और इसका 2 सीजन है जिसमें टोटल 7 एपिसोड्स हैं, और इसे आप यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हैं। नंबर 14 पे है बैचलर्स। ये सीरीज 2016 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। इस सीरीज की कहानी कुछ बैचलर्स पे बेस्ड है जो साथ में रहते हैं, और इस सीरीज के पहले सीजन में आपको बीवी की बाइंस के भुवन बाम भी दिखेंगे, और इसका अब तक 2 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 10 एपिसोड हैं, और ये सारे एपिसोड आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। नंबर 13 पे है क्यूबिकल्स। ये सीरीज 2019 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है। ये कहानी एक लड़के की है जो अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुआ है, और उसकी जॉब एक आईटी कंपनी में लगी है, लेकिन उसके आसपास के लोग उससे काफी सीनियर हैं। अब वो कैसे इनसे डील करता है, यही इस सीरीज में आपको दिखाया जाएगा। और इस सीरीज का एक सीजन आया जिसमें 5 एपिसोड्स हैं, और इसे आप टीवीएफ प्ले पे देख सकते हैं। नंबर 12 पे है चीज केक। ये सीरीज 2019 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है। ये कहानी एक कपल की है जिनकी लाइफ में अचानक से एक दिन एक कुत्ते की एंट्री होती है, और वे उस कुत्ते को अपने घर में रखते हैं। अब आगे की कहानी तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगी, और इसका एक सीजन है जिसमें 5 एपिसोड्स हैं, और इस सीरीज को आप एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं। नंबर 11 पे है बेयरली स्पीकिंग विद अर्नब। ये सीरीज 2014 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है। ये सीरीज एक फनी वर्जन है एक बहुत ही पॉपुलर जर्नलिस्ट का, जिसका नाम आप जानते ही होंगे, और सीरीज में अलग अलग एक्टर को बुलाया जाता है उनका इंटरव्यू लेने के लिए, और इसका अब तक 3 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 7 एपिसोड्स हैं, और इसे आप यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हैं।
नंबर 10 पे है ट्रिपलिंग। ये सीरीज 2016 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है। ये कहानी तीन सिबलिंग्स की है जो एक रोड ट्रिप पर निकलते हैं। वो तीनों एक साथ एक गाड़ी में अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं और इस सीरीज को काफी लोगों ने पसंद किया है और इसका दो सीजन है जिसमें 10 एपिसोड्स हैं और इसे आप यूट्यूब और टीवीएफ प्ले दोनों पर ही देख सकते हैं। नंबर 9 पे है ह्यूमरसली योर्स। ये सीरीज 2016 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है। ये कहानी एक स्टैंड अप कॉमेडियन विपुल गोयल की लाइफ पे बेस्ड है और इस सीरीज की राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्टिंग तीनों उन्होंने ही किया है। यहाँ तक कि इस सीरीज के डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हैं और इसका अब तक दो सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं और इसे आप एमएक्स प्लेयर पे फ्री में देख सकते हैं। नंबर 8 पे है परमानेंट रूममेट। ये सीरीज 2014 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है। ये कहानी दो लोगों की है जो बहुत दिन से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे और अब साथ में मूव इन कर चुके हैं ताकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकें और इस सीरीज का अब तक दो सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 13 एपिसोड्स हैं और इसे आप टीवीएफ प्ले और यूट्यूब दोनों पे ही देख सकते हैं। नंबर 7 पे है हॉस्टल डेज। ये सीरीज 2019 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है। ये कहानी हॉस्टल लाइफ पे बेस्ड है जहां चार स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर लाइफ एक्सपीरियंस को दिखाया गया है। ये सीरीज काफी फनी है और काफी लोगों को पसंद आई है और इसका एक सीजन है जिसमें 5 एपिसोड्स हैं और इसे आप अमेजोन प्राइम पे देख सकते हैं। नंबर 6 पे है इमैच्योर। ये सीरीज 2019 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है। ये कहानी स्कूल लाइफ पर बेस्ड है जहां तीन लड़कों के टीनेज लाइफ को दिखाया गया है कि कैसे उनमें से एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है जो उसकी लीग से बाहर है और इस सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 5 एपिसोड्स हैं और इसे आप टीवीएफ प्ले पे देख सकते हैं। नंबर 5 पे है गुल्लक। ये सीरीज 2019 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है। ये एक फैमिली वेब सीरीज है जिसमें एक मिडिल क्लास फैमिली की डेली लाइफ को अच्छी तरह से दिखाया गया है और ये वेब सीरीज देखने के बाद एक बात की तो गारंटी है कि इसकी स्टोरी को और अपने फैमिली की स्टोरी को जरूर कंपेयर करेंगे। वेब सीरीज का एक सीजन है जिसमें 5 एपिसोड्स हैं और इसे आप सोनी लिव पे देख सकते हैं। नंबर 4 पे है पिक्चर्स। ये सीरीज 2015 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है। ये कहानी तीन दोस्तों की है जो अपनी जॉब छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी खुद की एक कंपनी स्टार्ट कर सकें। अगर आप भी अपनी 9-to-5 की जॉब से बोर हो चुके हैं तो ये सीरीज को जरूर देखिएगा और इसका एक सीजन है जिसमें 5 एपिसोड्स हैं जिसे आप यूट्यूब और टीवीएफ प्ले दोनों पे ही देख सकते हैं। नंबर 3 पे है कोटा फैक्ट्री। ये सीरीज 2019 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है। ये कहानी एक लड़के के ऊपर बेस्ड है जो कोटा में कोचिंग करने जाता है। अब उसे वहाँ किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये आप इस वेब सीरीज में देख सकेंगे और ये सीरीज टीवीएफ की सबसे फेमस सीरीज है और इसका एक सीजन है जिसमें 5 एपिसोड्स हैं जिसे आप यूट्यूब और टीवीएफ प्ले दोनों पे ही देख सकते हैं। नंबर 2 पे है फ्लेम्स। ये सीरीज 2018 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है। ये कहानी एक स्कूल रोमांस के ऊपर बेस्ड है जहां क्लास का टॉपर रजत का क्रश एक नई आई लड़की इशिता के ऊपर हो जाता है। उन्हीं की क्यूट लव स्टोरी को इस सीरीज में दिखाया गया है और इस सीरीज का दो सीजन है जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं जिसे आप एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं। नंबर 1 पे है ये मेरी फैमिली। ये सीरीज 2018 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है। ये एक फैमिली सीरीज है जो 90s के ऊपर बेस्ड है जो आपकी बचपन की यादों को ताजा कर देता है कि बचपन में हम कैसे खेला करते थे, झगड़ा करते थे और कभी कभी रोया भी करते थे। ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज है जो आपको जरूर देखनी चाहिए और इसका एक सीजन है जिसमें 7 एपिसोड्स हैं और इसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी टीवीएफ की टॉप 20 वेब सीरीज। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।